आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जिसको आप खरीदना तो चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर है। जिसमें एक तरफ है ओकिनावा द्वारा हाल ही में लॉन्च हुई ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर, वहीं दूसरी तरफ है एथर एनर्जी की सबसे दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X। कंपैरिजन करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने केवल जरूरी स्पेसिफिकेशंस का ही कंपैरिजन किया है, तो चलिए जानते हैं दोनों में कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेटर चॉइस है। बात करें ओकिनावा के ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो कंपनी इसे हाल ही में 1,21,866 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर दिल्ली में लॉन्च किया है। वहीं दूसरी तरफ एथर 450X 1,18,996 रुपए की एक शोरूम कीमत पर दिल्ली में बिकती है। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज की बात की जाए तो जहां ओकिनावा की 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिंगल चार्ज में स्पोर्ट मोड पर 160 किलोमीटर का रेंज मिलता है और इको मोड पर 200 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एथर 450X में वार्प मोड पर 50 से 60 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है और इको मोड में 85 से 100 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है। तो अगर रेंज के मामले में देखें तो यहां ओकिनावा की ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजी मार लेती है। वहीं दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी कैपेसिटी की तुलना की जाए तो ओकिनावा की 90 में आपको मिलता है 3.6 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी जिसको सामान्य चार्जर से चार्ज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ एथर 450X में 2.9 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी मिलता है जिसको सामान्य चार्जर से चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर भी ओकिनावा ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजी मार लेती है। ऐसा नहीं है कि केवल ओकी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बाजी मारती है, कुछ मामलों में एथर 450X भी आगे है। जैसे कि जब बात एक्सीलरेशन की आती है तो एथर 450X 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है, वहीं ओकी 90 को 6 सेकंड का समय लग जाता है। अगर बात करें दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन की तो एथर 450X डिजाइन के मामले में काफी बेहतर है और स्पोर्टी दिखता है, वहीं दूसरी तरफ ओकी 90 में बड़े व्हील्स दिए गए हैं जिसके कारण इसका लुक थोड़ा बहुत मोपेड की तरह दिखता है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको ज्यादा यात्रा नहीं करना पड़ता तो एथर 450X आपकी अच्छी चॉइस हो सकती है। वहीं अगर आप एक फैमिली वाले पर्सन हैं और आपको ज्यादा रिलायबल स्कूटर चाहिए तो ओकी 90 आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है और क्यों।